नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माघ मास के छठे, सातवें और आठवें दिन का महात्म्य सुनाएंगे। चलिए छठवां महात्म्य शुरू करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर की सहज धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धन के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बाबड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य ग्रस्त का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखा कर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और कुशामदियों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सहज वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चली गई। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा की भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इसी के साथ छठवां महात्म्य संपूर्ण होता है। चलिए अब आपको सातवां महात्म्य सुनाते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूतों से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है,
उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रही हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आज जन्म में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता, यदि तुम तो मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई, और उसके साथ तुमने दो बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो ही वैश्यवर, तुमने दो बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तोत्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार मैं भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसी के साथ सातवें दिन का महात्म संपूर्ण होता है। चलिए अब आपको आठवें दिन का महात्म सुनाते हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देती, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं, तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबले, लूले, लंगड़ी, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य की अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करती हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाती हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करती हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाती है वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देती,
जो अधिक छाया वाली वृक्ष मार्ग में लगाने से देती हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करती है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाले होते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, दो या तीन बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फोटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवा कर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता, पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 8वें दिन का महात्म्य संपूर्ण होता है। माघ मास के सभी महत्व को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।